अभिजात्या नित्या गौरव, शोर नहीं मचाओ बच्चों, मुझे पढ़ाई करनी है। पढ़ के क्या करेंगे? अरे पढ़ के हम डॉक्टर बनेंगे। भैया ये डॉक्टर कैसे बनते हैं? डॉक्टर नहीं, सही शब्द होता है डॉक्टर। अरे अरे वही तो कह रहे हैं डॉक्टर। वो सही शब्द नहीं है, सही शब्द है डॉक्टर। इसमें का अक्षर की घुंडी हटी हुई होती है। भैया ये घुंडी क्या होती है? भैया ये घुंडी हटाना क्या होता है? हमको लगता है कि तुम लोगों को पूरा समझाना ही पड़ेगा, वरना तुम लोग यहाँ से जाओगे नहीं, है ना? हाँ। अब चलो तुम लोग बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि किसी अक्षर की घुंडी कैसे हटाते हैं और घुंडी हटा अक्षर कैसे पहचानते हैं, ठीक है? अच्छा चलो, पहले तुम्हें हम एक अक्षर दिखाते हैं, ठीक है? तुम्हें उसे पहचानना है। ये बताओ कि ये कौन सा अक्षर है? का, ठीक है? अब इस का अक्षर के में हमने ये देखा कि ये जो है ये का अक्षर की घुंडी है, ठीक? अच्छा, इस अक्षर को पहचानो। ये क्या है? का। इन दोनों में क्या फर्क है, जल्दी से बताओ। का की घुंडी सीधी हो गई। हाँ, का की घुंडी सीधी हो गई। ऐसे अक्षरों को हम घुंडी हटा हुआ अक्षर या आधा का भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये हमने देखा कि इसकी ये जो घुंडी है ये सीधी हो गई, ठीक है? अब ये बताओ तुम दोनों, ये सारे बच्चों ये एक चीज बताओ कि इस अक्षर में और इस अक्षर में कोई अंतर दिखाई दे रहा है? हाँ भैया, बाद वाली क की घुंडी हटी हुई है, इसी तरह लिखते हैं फ। ये है अक्षर फ। फा। अब इसमें हमने क्या देखा कि इसमें ये जो है ये फ अक्षर की घुंडी है, ठीक है? अब ऐसा ही अगर हम दूसरा अक्षर लिखते हैं ये, तो इसमें हमने देखा कि इस अक्षर की ये जो घुंडी है ये इस अक्षर की सीधी हो गई है, यानी इस अक्षर को हम आधा फा या घुंडी हटा हुआ फा कहते हैं। तो ये है अक्षर फा और ये है आधा फा, यानी इस अक्षर की जो ये घुंडी है वो इसमें हटी हुई है। ऐसे किसी भी अक्षर को बोलने के लिए हमें अपनी सांस को थोड़ा रोकना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रोकना। शाबाश। ऐसे अक्षरों को बोलने के लिए जैसे क या फा, आप जल्दी से बोल के बताओ इस अक्षर को क्या बोलेंगे हम? का। यहाँ पे हमने अपनी सांस को रोका, ठीक वैसे ही इस अक्षर को क्या बोलेंगे? हाँ, इन दोनों अक्षरों को बोलने में या ऐसे किसी भी और अक्षर को बोलने में हमें अपनी सांस को रोकना पड़ता है, ठीक है? अब इन्हीं अक्षरों से हम कोई एक ऐसा शब्द भी बना सकते हैं जिनमें इन अक्षरों का प्रयोग हुआ हो। अब तुम हमें बताओ कोई एक ऐसा शब्द जिसमें आधा का या घुंडी हटे का को प्रयोग हुआ हो। जैसे इस अक्षर में हमने ये देखा कि आधा का है और ये जब ये शब्द पूरा बना ये हो गया, क्या शब्द हो गया ये? क्या। क्या, ऐसे शब्द में हमने अपनी सांस को रोकना पड़ता है। रोका, रोक के बोला, शाबाश। अब इसी शब्द को अगर हम दूसरे तरीके से लिखें, अब हमको देख के बताइए कि इसको क्या बोलेंगे। ये क्या? कया। ये क्या शब्द बन गया? कया। कया, जो कि गलत शब्द है। सही शब्द क्या है? क्या। हाँ, ये सही शब्द है। यहाँ पे हमने ये जो घुंडी है इसको हटा के घुंडी हटे हुए अक्षर का प्रयोग किया है, यानी क्या। क्या ही सही शब्द है, ठीक। अच्छा, अब इसी तरह से हमको इस चीज का ध्यान ये रखना है कि ये जितने अक्षर होते हैं का या फा, ये कुछ ही ऐसे अक्षर होते हैं जिनमें घुंडी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? अब जल्दी से ये बताइए कि इसमें और कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। लगता है कोई सही शब्द सूझ नहीं रहा है आप लोगों को। भैया वो भुट्टा आप मुझे देंगे? हाँ जरूर देंगे भुट्टा, लेकिन पहले ये बताओ कि इस भुट्टे का जो दाना होता है इसको हम क्या बोलते हैं? मक्का। मक्का। भैया एक शब्द मिला, मक्का। खेल खेल में एक शब्द मिल गया मक्का। गौरव जल्दी से आओ और जल्दी से आके लिख के बताओ कि इस शब्द को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है? इसको हम मिटा देते हैं।
अब यहाँ पे तो हमें मक्का लिख के दिखाओ। जैसे बताते रहो कौन कौन से शब्द हैं ये, कौन कौन से अक्षर हैं ये। गुंडी हटा क, पूरा क, शाबाश, और बड़े आखी मात्रा बन गया मक्का। भैया देखिए ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। तो यहाँ तुमने क्या देखा, पहला अक्षर है म, दूसरा अक्षर है आधा का या इसको क्या बोलते हैं, तो गुंडी हटा हुआ का बोलते हैं, मक्का। भैया गौरव मुझे धक्का दे रहा है। गौरव धक्का क्यों दे रहे हो उसको? भैया एक और शब्द मिला धक्का। अरे तो कमाल हो गया, एक शब्द और मिल गया धक्का। भाई वाह, अब तुम ही लिख के दिखाओ धक्का कैसे लिखते हैं। जाओ सौम्या जल्दी से लिख के दिखाओ धक्का। लिख के बताओ, इधर धीरे से आके इधर आ जाओ। धा गुंडी हटा का, पूरा का और बड़े आ की मात्रा, ये बन गया धक्का। भैया देखिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे अक्षरों को या घुंडी हटे हुए जो अक्षर होते हैं, इनको बोलते समय हमें अपनी सांस को थोड़ा सा रोकना पड़ता है। पहला शब्द क्या हुआ, मक्का, मक्का, और दूसरा शब्द धक्का। ये क्या हो रहा है, बातें क्यों कर रहे हो दोनों लोग? क्योंकि ये दोनों पक्के दोस्त हैं। अच्छा, लेकिन आपका पक्का दोस्त कौन है? भैया एक और शब्द मिला पक्का। अरे भाई ये तो कमाल हो गया, इस तरह हम लोग खेलते भी रहे और ये तीसरा शब्द भी आ गया पक्का, बहुत बढ़िया। अब इस शब्द इसको मैं लिख के बताता हूँ इसको कैसे लिखा जाता है। आधा का या घुंडी हटा हुआ का भी इसको हम बोलते हैं। ये शब्द बन गया पक्का, पक्का। फिर इसमें हमने क्या किया इस शब्द को बोलने में, सांस रोकी। जब भी कोई घुंडी हटा शब्द, हम किसी भी शब्द में कोई घुंडी हटा अक्षर आता है तो उस शब्द के उच्चारण में हम अपनी सांस को थोड़ा सा रोकना पड़ता है, तभी हम सही ढंग से इन शब्दों का उच्चारण कर पाएंगे। तो ये हमारा शब्द बन गया पक्का, ठीक है। तो आज इस तरह से हम लोगों ने कितने कौन कौन से शब्द सीखे जिनमें घुंडी हटे अक्षरों का प्रयोग होता है। धक्का, धक्का, मक्का। बारी बारी से बताइए ये कौन सा शब्द है। मक्का। शाबाश। और ये कौन सा शब्द है? धक्का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये कौन सा शब्द है? पक्का। पक्का। तो मक्का, धक्का और मक्का, पक्का। इस तरह से हम लोगों ने ये सीखा कि इन घुंडी हटे अक्षरों को कैसे बोलते हैं और कैसे लिखते हैं। तो इनको बोलने में बस एक चीज का ही ध्यान रखना है कि जब भी कोई ऐसा अक्षर हमें बोलना होगा तो उसमें हम बोलते समय अपनी सांस को रोकेंगे और ऐसे शब्दों का सही ढंग से उच्चारण करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आज तुम लोगों ने ऐसे अक्षरों को पहचानना और बोलना सीख लिया। अब तुम लोग जाओ और ऐसे ही कुछ और अक्षरों को खोज के मेरे पास लेके आओ और मुझे पढ़ाई करने दो। हाँ हाँ, भैया को डॉक्टर जो बनना है। हाँ, डॉक्टर जो बनना है। अब तुम सही चीज समझ में आई तुम्हारे की सही शब्द क्या है, डॉक्टर, ना कि डॉक्टर। हमें पढ़ाई करने दो और ये भुट्टे लेके जाओ और भून के सब मिल बांट के खाना।